ये वो भारत है जो अपने पोटेंशियल को परफॉर्मेंस में बदल रहा है। साथियों, आज नए भारत की नई ग्रोथ स्टोरी हमारे सैकड़ों टीयर टू टीयर थ्री शहरों में लिखी जा रही है, छोटे छोटे शहरों में। संभव है कि आप भी, कई साथी शायद ऐसे ही छोटे स्थान से, ऐसे ही छोटे शहर से यहां आए होंगे, वहां का बदलता हुआ रूप आपको पता चलता होगा। आज जब आप अपने परिजनों को फोन करते हैं तो उनके पास बदलाव का कोई ना कोई उदाहरण बताने के लिए वो बड़े उत्सुक होते हैं। नए नए बन रहे एक्सप्रेसवे, नई सेमी हाई स्पीड ट्रेन, एक से बढ़कर एक एयरपोर्ट, भारत आज अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर जितना इन्वेस्ट कर रहा है उतना पहले कभी नहीं हुआ। साथियों, भारत में पिछले वर्षों में जिस तरह डिजिटल क्रांति आई है वो तो अभूतपूर्व है। हो सकता है अब आप अपने गांव की किसी दुकान में जाए और वहां के आपके सामने बारकोड का बोर्ड हो सकता है आप कैश दें लेकिन दुकानदार कहे कि भैया मोबाइल फोन पर कोई डिजिटल पेमेंट ऐप नहीं है क्या। ये बदला हुआ भारत आपको हैरान कर देगा। आज भारत में कोई भी व्यक्ति कहीं से भी कभी भी 24/7 बैंकिंग कर सकता है। संडे हो या मंडे, बैंकिंग लेन देन पर इससे कोई फर्क नहीं होता। भारत में आ रहे ऐसे बदलावों को मैं इसके कितने उदाहरण आपको दे सकता हूं। समय कम पड़ जाएगा लेकिन भारत की उपलब्धियां कम नहीं पड़ेगी। साथियों, भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। और अमेरिका आधुनिक लोकतंत्र का चैंपियन है। आज दुनिया इन दो महान लोकतंत्रों की साझेदारी को और सशक्त हुए देख रही है। अमेरिका हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, लेकिन अभी हमारी पार्टनरशिप का असली पोटेंशियल सामने आना बाकी है। इस पोटेंशियल को आगे बढ़ाने में आप सबकी बहुत बड़ी भूमिका है। आप सभी ने यहां नाम, बहुत नाम कमाया है। आपने अमेरिका के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया है। अब जब भारत ने आजादी के अमृत काल में विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लिया है तब आपसे अपेक्षा और अधिक बढ़ जाती है।
ये भारत में अधिक से अधिक निवेश का सही अवसर है। मेरा आग्रह है कि आप भारत के एमएसएमईज और स्टार्टअप्स के साथ संभावनाओं को आगे बढ़ाएं, हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स को प्रोत्साहित करें। भारत की ग्रोथ में आपकी स्किल, आपकी टेक्नोलॉजी और आपके एक्सपर्टाइज बहुत काम आएगी। आपको पता है, भारत में एक नई आधुनिक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू की गई है। आप में से अनेक साथी अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में महत्वपूर्ण पदों पर है, रिसर्चर्स और एकेडमिशियंस हैं। आप अपने अल्मा मेटर्स और दूसरे भारतीय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़ेंगे तो उसका बहुत अच्छा प्रभाव होगा। वैसे आपके प्रयासों के बीच मैं आपको दो और बातें बताना भी चाहता हूं और जिनको सुनकर के आपको जरूर अच्छा लगेगा। पहली तो ये कि भारत में गूगल्स का एआई रिसर्च सेंटर 100 से ज्यादा भारतीय भाषाओं पर काम करेगा। इससे भारत में ऐसे बच्चों को पढ़ने में, काम करने में आसानी होगी जिनकी मातृभाषा अंग्रेजी नहीं है। और दूसरी ये कि भारत सरकार की मदद से यहां यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन में तमिल स्टडीज चेयर की स्थापना की जाएगी। इस चेयर से तमिल संस्कृति और दुनिया की सबसे प्राचीन तमिल भाषा का प्रभाव बढ़ाने में और मदद मिलेगी। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जब कभी भाषा की चर्चा निकले तो सीना तान करके दुनिया को कहना कि दुनिया की, मानव जात की सबसे पुरानी भाषा तमिल भाषा है और वह हमारी भाषा है। यह गर्व से कहना चाहिए, दुनिया की सबसे पहली पुरानी भाषा होने का गर्व हमारे पास है। साथियों, मुझे इस बात की भी खुशी है कि अमेरिकी सरकार ने भारत की 100 से ज्यादा एंटीक्विटीज, पुरानी मूर्तियां, चीजें जो हमारे यहां से चोरी हुई थी ना, सौ से अधिक उसे लौटाने का फैसला लिया है। ये पुरातन वस्तुएं बरसों पहले कुछ सही रास्ते से आई होगी, कुछ गलत रास्ते से आई होगी, अलग अलग तरीकों से अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर पहुंच गई थी। इन ऐतिहासिक वस्तुओं को लौटाने के लिए मैं अमेरिकी सरकार का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। किसी दूसरे देश की भावनाओं का सम्मान, उसके लोगों की भावनाओं का सम्मान, दोनों ही देशों के रिश्तों को
और मजबूती देते हैं। मैं जब पिछली बार अमेरिका आया था तब भी भारत को बहुत सी पुरानी ऐतिहासिक वस्तुएं लौटाई गई थी, और आजकल दुनिया में मैं जहां भी जाता हूं ना तो उनको लगता है ये सही व्यक्ति है। इसको सुपुर्द करो, सही जगह पे पहुंचेगी। ये दिखाता है कि भारत अमेरिका के बीच रिश्ता सिर्फ व्यापारिक ही नहीं बल्कि भावनात्मक रूप से भी मजबूत हो रहा है। साथियों, भारत और अमेरिका की पार्टनरशिप 21वीं सदी की दुनिया को फिर से बेहतर बनाने के लिए है। इस पार्टनरशिप में आप सभी की भूमिका बहुत बड़ी है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस भूमिका को निभाने में आप कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। आपका ये भरोसा, आपका विश्वास मेरे दिल में पहले भी था, आज भी है, कल भी रहने वाला है। आप सब दूर दूर से आए, आप सबको मिलने का मुझे अवसर मिला और यहीं से सीधा एयरपोर्ट जा रहा हूं, तो जैसा भोजन के बाद आखिर में मीठी डिश होती है ऐसी स्वीट डिश को खा करके मैं निकल रहा हूं। आप सब स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें, इसी भावना के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, बहुत बहुत धन्यवाद।